पढ़ा देते हैं। और क्या चल रहा है? हाँ काहिन, दैट इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज, बहुत बढ़िया। मतलब उसके ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज डील। ठीक है, हाँ वेरी गुड पाइस, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया बैंस बैंकॉक, वेरी गुड फिर। एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, गौतम आपको भी। वेरी गुड प्रश्न, वेरी गुड। इंडिया एंड चिले होल्ड्स द फर्स्ट मीटिंग। वेरी गुड पाइश स्वयं, वेरी गुड। चिले का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिले? ब्रुकलिन 99 जो देखता है उनको आना चाहिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। एमी सैंटिया, दैट इज हाउ आई रिमेम्बर। ठीक है, अरे वेरी गुड काइन, वेरी गुड। यू आर सिलेक्टिंग वेरी नाइस एंड रेलेवेंट करंट अफेयर्स ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। यस आदित्य, वेरी गुड, सही बात है। ठीक है, फिर क्या चल रहा है? अच्छा, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें एटलीस्ट पिछले 10 दिन से आ रहा है सम न्यूज अबाउट किर्गिस्तान, तो उसमें उसका कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। सो आई थिंक दैट व्होएवर इज इवन स्कीमिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, तो उनको पता हो। आंसर इज मिशिंग, यस। ठीक है, वेरी गुड। और किर्गिस्तान एससीओ जो है जिसमें देयर आर टोटल 8 मेंबर कंट्रीज, तो किर्गिस्तान उसका मेंबर है, यस और नो? हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 कंट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं हम, तो आपको मुझे बताना है किर्गिस्तान उसका है मेंबर या नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं, आज के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाऊं आपको, प्लीज मेक श्योर आपको वो सब आता है, बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी भी जितनी भी एग्जाम हुई, देयर वाज नॉट अ सिंगल पेपर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन ना। ठीक है, सो प्लीज पे फोकस ऑन दैट पार्ट। ठीक है, चलो हम उस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो What is the name of the bomb developed by India in Iran? सबसे पहले इसका आंसर दो। देखो ध्यान से समझ लो, इंडिया ने ईरान में एक बॉम्ब डेवलप किया है विच इज कॉल्ड एज छाबहार बॉम्ब। नाउ जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से समझ, छाबहार ईरान में एक जगह है। ठीक है, इट इज अ प्लेस। जैसे मैं आपको कहूँ कंडला पॉट, देन कंडला इज अ प्लेस एंड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस अ पॉट इज डेवलप। कंडला पॉट को दीनदयाल उपाध्याय पॉट कहा जाता है, पता है ये आपको? कंडला इज अ पॉट, कंडला इज अ प्लेस, लेकिन उसका नाम क्या है पॉट का? द आंसर इज दीनदयाल पॉट। इन द सेम वे बॉम्बे में दो है, मुंबई पॉट है टू पॉट,
लेकिन उसमें जो नया है उसे क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पॉट। इन द सेम वे छाबहार पॉट को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, असली नाम? द आंसर इज शाहिद बेहस्ती पॉट, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। ख्वाहिश, पॉट का नाम दोनों कह सकते हो आप, ठीक है, कंडला पॉट भी है, देन इट इज फाइन, लेकिन कंडला पॉट का नाम क्या है? एंड द आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय पॉट, ठीक है, ऐसा समझ लो कि एक असली वाला नाम है और एक ऐसे डुप्लीकेट नाम, विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस, ठीक है। और रिसेंटली, नहीं नहीं नहीं, दे डिड नॉट बिल्ड कंडला पॉट, कंडला पॉट तो बहुत पहले बन चुका है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए आई एक्सप्लेन यू इन दिस वे, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोलकाता पॉट ट्रस्ट जो है उसको रिनेम किया था, और उसका क्या नाम रखा था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए। वेरी गुड आदित्य, सिद्धांत गलती हो रही है थोड़ी, द आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको नहीं पता है वो लिख लो, द आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मैंने रिसेंटली बनाया था, आई गेस एक दो महीने पहले, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, शुड आई गो अहेड, और देखो ये जो मैंने कहा है ना, ये आपको लिखना है, ठीक है, बिकॉज जनरली पीपल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, लाइक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है, सो दीनदयाल पॉर्ट इज कंडला पॉर्ट, दैट इज इन गुजरात, जवाहरलाल नेहरू पॉर्ट इज इन मुंबई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज कोलकाता पॉर्ट, ठीक है। चलो आगे जा रहा हूं मैं, ओके, Prime Minister Modi has recently released a commemorative coin of 75 rupees denomination. Why? To celebrate Food and Agriculture Organization 75th anniversary. ठीक है? अभी हमें FAO के बारे में कुछ पता होना चाहिए. Then FAO is the specialized agency of the United Nations. It was founded in 1945 and it is located, its headquarter is located in Rome, Italy. Now, आप सबको पता होगा that Nobel Peace Prize कौन सी organization ने जीता है? Which organization won Nobel Peace Prize 2020? The answer is World Food Program. Now, the interesting thing to know is that World Food Program वो खुद FAO का प्रोग्राम है, पता चला आपको, वर्ल्ड फूड एक प्रोग्राम है, ठीक है, WFP, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अंडरटेकन बाय FAO, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारे एक इंडियन थे, हिज नेम वॉज विनय रंजन सेन, ही वॉज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1956 to 1967, when the World Food Program was launched, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, लिख लो, because under his guidance it was started, ठीक है। हाँ स्वयं, actually Nobel Prize जैसे बड़े awards है उसमें there should be at least 2 years का knowledge आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है दैट दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर प्रीवियस ईयर इन द ईयर विच यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप देखो, ठीक है। जैसे ऑस्कर अवार्ड के बारे में इस साल एक पेपर में पूछा गया था, बट दे डिड नॉट आस्क अबाउट ऑस्कर 2020, दे आस्क अबाउट ऑस्कर 2019, ठीक है, so that is the reason. हो गया, हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
सो यू शुड ठीक है भाई लिख लो आराम से. हो गया. शुड आई गो अहेड एवरीवन. चलो थोड़ी और इंफॉर्मेशन है इसके बारे में विच इज इम्पोर्टेंट. हाँ देखो इस साल भी इवन दिस ईयर अ क्वेश्चन वॉज आस्क दैट विच ईयर इज डिक्लेयर एज द ईयर फॉर मिडवाइव्स एंड नर्सेस. ठीक है द आंसर वॉज 2019. इन द सेम वे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वॉज 2016. वो इंडिया ने प्रपोज किया था तब पूरे वर्ल्ड में 2016 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. ठीक है इन द सेम वे इंडिया हैज प्रपोज 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. सॉरी एंड 2016 वॉज फॉर पल्सेस एंड 2023 वुड बी फॉर मिलेट. ठीक है ये इंडिया ने प्रपोज किए थे एंड दिस both of these resolutions were approved by FAO. ठीक है so we should know that 2023 will be the international year of millet and 2016 is the international year of pulses. ये किसने किया था? इंडिया ने प्रपोज किया था. लिख लो. and do anyone of you know about biofortified crops? आपको पता है biofortified crops क्या होते हैं? प्रसन्न को पता है. बाकी किसी को पता है? Anyone who knows what are biofortified crops? ठीक है याद करवा देता हूं अभी. देखो biofortified crops क्या होते हैं गाइस? इट इज नॉट फर्टिलाइजर. ध्यान से समझ लो क्लियर हो जाएगा. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है biofortified crops क्या होता है? एवरी all of you know that in India we have staple diet in the form of rice or wheat. Staple diet का मतलब जो diet बहुत basic होता है जो सब खाते हैं जो public distribution system है PDS उसमें भी आपको क्या मिलता है at subsidized rate wheat and rice. लेकिन wheat and rice are either carbohydrate rich or protein rich. लेकिन अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जैसे जिंक चाहिए हमें, कैल्शियम चाहिए हमें, विटामिन ए चाहिए हमें, विटामिन डी चाहिए. देन विद सम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो स्टेपल डाइट होते हैं उसमें ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है थ्रू आर्टिफिशियली थ्रू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जिससे आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी अपनी बॉडी में अवेलेबल हो यार आपको मिले. ठीक है सो दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड एज बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स. ठीक है बायोलॉजिकली फोर्टिफाइड क्रॉप्स. पता चल गया क्या है? व्हाट इज बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स? म्यूटेशन नहीं है. इट इज नॉट जेनेटिक म्यूटेशन. ठीक है दिस आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बट दिस इज नॉट जेनेटिक म्यूटेशन. वो अलग होता है. बायो फोर्टिफाइड क्रॉप मतलब बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाना ताकि आपको आपको पूरा डाइट हेल्दी मिले विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है हो गया. शुड आई गो अहेड? इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल वीक. फूड एंड एग्रीकल्चरल वीक ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. एंड व्हाट विल बी द फोकस? द फोकस विल बी ऑन फूड एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी दैट विल बेनिफिट द एग्रीकल्चर सेक्टर. लिख लो एंड यू गाइस टेल मी व्हाट इज द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. आपको थोड़ा बैकग्राउंड अब हर एक टॉपिक के बारे में मुझे पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड.
नहीं प्रसन्ना, इसमें रिड्यूस मोर्टैलिटी से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? दैट विल बी अ गुड आर्ग्यूमेंट इन द केस ऑफ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स. एनीवन, आप लोग थोड़ा सोचो फूड प्रोसेसिंग होता क्या है और मुझे बताओ. चलो मैं आपको समझाता हूं. आप लोग कभी चक्की पिसवाने गए हो मम्मी के साथ? गए हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. वो चक्की कितने रुपए में करके देता है, कितने रुपए में पीस के देता है चक्की? 10 रुपए, 5 रुपए, डिपेंड्स ऑन द केजी, बट इट इज वेरी चीप. लेकिन आशीर्वाद का आटा कभी खरीदा है? आशीर्वाद का आटा खरीदा है कभी? इट इज वेरी कॉस्टली. इट इज कॉस्टली मोर देन 10 to 15 times. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आशीर्वाद जब आटा बेचता है तब उसको फूड प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसे अच्छे से पैकेजिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, ठीक है? सो अगर कोई किसान अपना प्रोडक्ट, सपोज टोमेटो अगर आप बाजार में बेचो तो आपको 20 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन अगर कोई किसान उस टोमेटो को लेके उसका केचप बनाए, देन ही विल फेच डबल द प्राइस. पता चला? सो बेसिकली जब आप फूड को प्रोसेस करते हो, पैकेज मटेरियल में करते हो, देन यू विल फेच मोर प्राइस, मोर मनी. इट इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. दूसरी बात, अगर आप लोग देखते होगे, देन इन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फूड वेस्ट इंडिया में होता है. आपने देखा होगा फूड कॉरपोरेशन में सब कुछ सड़ रहा है, देन फार्मर्स आर थ्रोइंग देयर वेजिटेबल्स ऑन द स्ट्रीट. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कोल्ड स्टोरेज एंड देयर इज नो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. सो इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है. दैट इज द रीजन दैट फूड प्रोसेसिंग is extremely necessary for India. ठीक है? Very good. Yes, Swayam. Food Hunger Index में India is ranked 94. So to solve all this problem, food processing is very much necessary. Farmers को income ज्यादा मिलेगी, wastage will be reduced, and hunger and nutrition can be tackled. ठीक है? So this is the reason that why this kind of workshops are being organized in India. ठीक है? चलो गाइस, पता चल गया. शुड आई गो अहेड? आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ताकि आप अगर कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो देन इट विल बी इजियर फॉर यू. ठीक है? चलो देखो, रक्षा मंत्री ट्रॉफी, एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल इन बैंगलोर was adjudged as the best command hospital. Basically, army में सबसे अच्छी hospital कौन सी है? Then the answer is Bangalore. And second कौन सी है? The Eastern Command in Kolkata. उसको second prize मिला. ये रक्षा मंत्री ट्रॉफी है क्या? Then army में जो medical का division होता है, that is called as AFMS. It stands for Armed Force मेडिकल सर्विस. ठीक है? वो लोग जो उनकी खुद की मेडिकल हॉस्पिटल्स होती है उसमें सबसे बेहतर कौन सी हॉस्पिटल है उनको अवार्ड देती है. ठीक है? लिख लो, और कुछ क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ लो. आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस जो होती है, जो पूरे आर्म जो पूरे मिलिट्री का देखते हैं मेडिकल सप्लाईज एंड मेडिकल सर्विसेज, उसमें से कौन सी हॉस्पिटल सबसे अच्छी है उसके लिए ये ट्रॉफी दी जाती है. ठीक है? हाँ प्रसन्ना, जनरली क्या होता है, देखो 2020 में हमेशा 2019 वालों को अवार्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है? फिर 2021 में हम जाएंगे, देन 2020 ईयर के अवार्ड्स दिए जाते हैं. बट इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज डिफरेंट. ठीक है? लेकिन जनरली ऐसा होता है. ठीक है? मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जब आप 12th में जाते हो तब मिलता है आपको 11th के लिए. ठीक है?
हो गया। Everybody, should I go ahead? Okay. देखो, this is a very interesting news. Gujarat government will be setting up world's biggest zinc smelter project. ठीक है? फिर आपको पता होना चाहिए that कौन सी कंपनी ये सेटअप करेगी? रिलायंस है, टाटा है? The answer is Vedanta Group. Vedanta Group is a group which is located in London, I guess. Hinduja Brothers का है, ठीक है? लेकिन वेदांता की जो इंडियन की सब्सिडी है, सब्सिडरी है, इंडियन सब्सिडरी, दैट इज कॉल्ड एज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है? दे विल बी सेटिंग अप अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन गुजरात। कहां पे? द आंसर इज दोसवाड़ा इन तापी डिस्ट्रिक्ट। तापी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन साउथ गुजरात, ठीक है? पता होना चाहिए, लिख लो। Vedanta is one of the biggest firm in the production of minerals, ठीक है? तापी रिवर ओरिजिनेट कहां पे होती है? एनी आइडिया किसी को? तापी रिवर ओरिजिनेट कहां पे होती है? सूरत में ओरिजिनेट थोड़ी होती है, सूरत से तो वो गुजरती है। द सी, ठीक है? लेकिन तापी ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश गाइस, ठीक है? याद रखना, नॉक सापुतारा इन मध्य प्रदेश, ठीक है? एंड तापी प्रोसेस फ्रॉम थ्री स्टेट्स, ये याद रखना। लोग इतनी गलती करते हैं, तापी तीन स्टेट से पास करती है, एक मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड देन फाइनली गुजरात, ठीक है? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको अच्छे से? हाँ, थोड़ी क्रैक हुई है तो फाइन। सुनाई दे रहा है ठीक से? ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से होती है। यू कैन राइट एमपी, एमएच, देन जीजे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, ठीक है? चलो, व्हाट डज सागर डॉक्ट्रिन स्टैंड्स फॉर? सागर का फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे आप लोगों को मुझे बताना है, बिकॉज ये हम रिसेंटली कर चुके हैं, आई गेस दो हफ्ते पहले, ठीक है? बताओ, गूगल मत करना, try to think, recall and then give me the answer. Ha, very good. Aditya, aapne full form ekdam sahi likha hai, lekin it is not only about India and Sri Lanka. It is very good, Ayushi. Excellent. It is for all our neighbors in the Indian Ocean. Theek hai? Pure ke pure Indian Ocean mein sabke liye ye doctrine hai. Theek hai? Ha, very good, Aditya. सिद्धांत वेरी गुड, प्रसन्ना वेरी गुड, चलो देखते हैं। वेरी गुड गौतम, चलो। हाँ चलो, पहले ये सुन लो सब अपने आप। इंडिया टू डिलीवर किलो क्लास सबमरीन, आई एन एस,
INS stands for Indian Naval Service. Indian Naval Service, ये पता होना चाहिए कि INS क्या होता है, ठीक है? India to deliver kilo class submarine INS Sindhu Veer to Myanmar Navy, ठीक है? और म्यांमार को हमने किसके लिए दिया है? Because in accordance with the India's vision of Sagar, इसके लिए मैंने आपको सागर के बारे में पहले बताया है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी आपको थोड़ा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए हर एक न्यूज के बारे में, ठीक है? बिकॉज आप लोगों के लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट सबमरीन ऑफ म्यांमार नेवी. म्यांमार की पूरी नेवी में सबसे पहली सबमरीन इंडिया देगा. और ये सबमरीन कैसी है? दैट इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन. ये एनर्जी कहां से डिराइव करती है? द आंसर इज डीजल इलेक्ट्रिक. किसने बनाई थी? हमने किससे ली है? द आंसर इज सोवियत यूनियन, ठीक है? लिख लो और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है? मैंने देखो रिसेंटली इसी बार एक एग्जाम में पूछा था दैट इंडिया ने कौन सी कंट्री थी मुझे याद करने, आई गेस मालदीव्स थी और मॉरिशियस थी. इन दोनों कंट्री में से इंडिया ने एक को एक शिप दी थी, तो वो शिप कौन सी थी? ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है? नहीं कही नहीं, ना ना कही नहीं, नेवर डू दैट, ठीक है? ये सब आपको नहीं पढ़ना है. यू शुड नो द ब्रॉड फैक्ट्स, इतना डिटेल नहीं है, ठीक है? एंड वेरी गुड क्वेश्चन का ही नहीं, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ऐसा कभी नहीं पूछेंगे. हाँ प्रसन्ना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लाइक इंडिया ने ये सबमरीन किसको दी, नाम क्या था उसका, ठीक है? हाँ, स्वयं सागर विल इंक्लूड ऑल द कंट्रीज विच बॉर्डर इंडियन ओशन. सो बेसिकली फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अफ्रीका टू द साउथ ईस्ट एशिया, उसमें जितने भी कंट्रीज इंडियन ओशन को टच करते हैं, दोज आर ऑल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सागर. ये इंडिया ने एक डॉक्ट्रिन रखी है अपने नेबर्स के लिए हु आर पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है? To increase cooperation with them and to develop friendly relations with them, ठीक है? और ये अगर मैं वापस पूछूंगा तो straight away answer, सब हम इसको target में लेके कर रहे हैं, हम इसका influence tackle कर रहे हैं in the Indian Ocean. The answer is China, ठीक है? We are doing all these things to target the influence of China. ओके गाइस, हो गया, शुड आई गो अहेड? ठीक है, चल. अच्छा हाँ, सोवियत यूनियन में टोटल कितने रिपब्लिक थे? सोवियत यूनियन, सो यूनियन मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हो गए, जैसे अमेरिका के यूनियन में कितने स्टेट्स हैं? 15. इन द सेम वे सोवियत यूनियन में कितने रिपब्लिक थे? वेरी गुड गाइस, गौतम, प्रसन्ना, द्रवित, वेरी गुड. प्लीज राइट इट डाउन. देयर वर 15 रिपब्लिक्स, ठीक है? 15 थे. एंड इन विच ईयर सोवियत यूनियन वॉज अबॉलिश? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, पता होना चाहिए, ठीक है? 1991. चलो आगे चलते. एंड देयर वर 15 रिपब्लिक्स. देखो सिर्फ ऊपर की दो लाइन लिखना, बाकी नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो. किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सुरोबाई जेनबेकोव रिजाइन बिटवीन द इलेक्शन टर्मोइल. किर्गिस्तान में एक इलेक्शन हुआ था, बट इट वॉज एलिज्ड दैट इट वॉज रिग्ड इलेक्शन,
and it was not a free and fair election. ठीक है, so there are massive protests going on in Kyrgyzstan. ठीक है, so in the line of that, the president Surbai Jeenbekov resigned. ठीक है, और कैपिटल क्या है किर्गिस्तान का बताओ, अभी हमने बात की थी. बिशेक, यस. किर्गिस्तान इज अ मेंबर ऑफ SCO, लिख लो. जिसको नहीं याद है वो लिख लो, किर्गिस्तान इज अ मेंबर ऑफ SCO. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, क्या था किर्गिस्तान को लेके कुछ था. ओके, चलो इतना तो लिख लो और ये पढ़ लो. हाँ, किर्गिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा सोवियत यूनियन, किर्गिस्तान वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है, हाँ आदित्य, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके गाइस, हो गया, शुड आई गो इट. इसमें तो बस इतना ही लिखना था और ये आपको पढ़ना था बीच में. ठीक है, लिखना कुछ नहीं है इसमें. ओके, चलो. चाइना एंड पहले ध्यान से इश्यू समझ लो, ये पूरा का पूरा. चाइना एंड पाकिस्तान वर री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. सो जब ये इलेक्शन हुआ, then USA criticized the United Nations for electing authoritarian regimes. USA ने argue किया that in China Muslims are persecuted and in Pakistan there are no religious freedom and also in Pakistan some section of Muslim communities are also persecuted, then how can you appoint this kind of countries on the United Nations Human Rights Council. ठीक है, so USA has criticized this religion, this body. ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप लोग मुझे बताओगे. And due to all these things, in the way that the Human Rights Council is working, USA had left United Nations Human Rights Council एक दो साल पहले. ठीक है, so आपको पता होना चाहिए that USA is not a member of this council. और आप लोगों को मुझे उस माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बताना है हु आर बीइंग पर्सिक्यूटेड इन चाइना. रोहिंग्या गलत आंसर है प्रसन्न, आप समझो. रोहिंग्या आर पर्सिक्यूटेड इन म्यांमार, नॉट इन चाइना. यस, द आंसर इज headquarter is located in Geneva and the minority which is persecuted in China is Uyghur. UIGHUR, Uyghur. ठीक है, और ये चाइना के कौन से प्रोविंस में पाए जाते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको. वो एक चाइना के एक प्रोविंस में पाए जाते हैं. प्रोविंस मतलब जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट है, वैसे पाकिस्तान में, सॉरी चाइना में इट इज कॉल्ड प्रोविंस. द आंसर इज Xinjiang. यस, Xinjiang. वेरी गुड गाइस, गुड वर्क, गुड वर्क. वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट आदित्य, मतलब आपको परफेक्ट है आपकी ग्रिप. ठीक है, वी रिसेंटली ऑल्सो स्टडीड दैट यूएसए हैज डिसाइडेड टू स्टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम द चाइनास Xinjiang प्रोविंस बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ द कम्युनिटी. याद आया सबको, बाकी सबको याद आया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था दैट यूएसए हैड सेड दैट वी विल नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम चाइनास Xinjiang प्रोविंसेस. ठीक है, because of the ongoing persecution. Okay, chalo guys, going ahead. Dekho, ye bahut acha news hai. India has joined UK with the 7 countries to challenge the social media companies that
they should stop providing end-to-end transcription. अगर आप WhatsApp में भी देखते हो तो मैसेज आता है that all your chats are secured under end-to-end transcription, ठीक है, encrypted होते हैं. So what these seven countries are arguing that because of the end-to-end encryption, we are not able to tackle the issue of terrorism, radicalism, child abuse, ठीक है. So seven countries ने मिलके so all these companies को they have noticed that please you should take steps and stop this on your side, ठीक है, because इससे हमको भी बहुत problem होता है in managing security issues. लिख लो, encryption मतलब आपका security रहता है, आपकी information private रहती है, आपके messages private रहते हैं, ठीक है. कोई थर्ड पार्टी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता है. दैट इज व्हाट बेसिकली एनक्रिप्शन मींस, ठीक है. आप व्हाट्सएप में देखना, डायरेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ आएगा दैट ऑल योर चैट्स आर सिक्योर विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन. सो बेसिकली दिस सेवन कंट्रीज आर सेइंग दैट इसके कारण ऑल दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज आर हार्ड टू टैकल. ख्वाहिश राइट टू प्राइवेसी तो है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग देर इज नथिंग कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी, ठीक है. गवर्नमेंट सब देखती है, गवर्नमेंट को सब पता है, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है. हाँ यस मैम, देर इज नो डेटा प्राइवेसी लॉ, देर इज अ ड्राफ्ट लॉ, लेकिन देखते हैं वो कब एनेक्ट होता है, ठीक है. ओके गाइस, ये हो गया, शुड आई गो अहेड. ये सात कंट्री के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और आपको पता होगा रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, ठीक है. चैट्स लीक होती है थ्रू स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, वो डिफरेंट बात है. अगर मैं स्क्रीनशॉट ही ले लूंगा तो कुछ आराम से कुछ भी लीक हो सकता है, ठीक है. जो लीकेजेस होती है आप चैट की बात कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्क्रीनशॉट्स एंड अदर थिंग्स. बाकी ऐसे ही कभी चैट्स लीक नहीं होती, कभी नहीं होगी. अगर ऐसा होता है देन यू कैन सू एनी कंट्री, सॉरी एनी कंपनी फॉर मिलियन ऑफ डॉलर्स, ठीक है. और गौतम, व्हील ऑफ इग्नोरेंस वॉज जॉन रॉल्स, ठीक है. चलो हो गया, शुड आई गो अहेड. गाइस लिख लिया सबने, India and France get re-elected as the president and the vice president of International Solar Alliance, ठीक है. ये Solar Alliance के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. It is located in Gurugram, उसका headquarter है, ठीक है. It was founded by India and France together, ठीक है. उसकी recently जो third meeting हुई थी उसमें इंडिया एंड फ्रांस वेर रीइलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट, एंड दे विल सर्व ऑन दिस पोजीशंस फॉर टू इयर्स, ठीक है. लिख लो, When was the idea of International Solar Alliance was devised by India and France? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये बहुत important question है related to ISA. कब थी राइस conference of parties? मैंने आपको बताया था जब Paris climate deal हुई थी in 2015, that is COP21. तब इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके ये किया था, ठीक है.
एक का भी आंसर नहीं आया, सब भूल गए हैं, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज लिख लो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। ओके गाइस, गोइंग अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्टार्स प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विच विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये एप्लीकेबल सिर्फ 6 स्टेट में होगा सबसे पहले ऑन पायलट बेसिस, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। और ये प्रोजेक्ट से करेंगे क्या हम? देन कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर टीचर्स, मतलब टीचर्स अगर अच्छे होंगे, एजुकेटेड होंगे, ज्यादा उनकी पेडागॉजी अच्छी होगी, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो टू मॉनिटर स्कूल एजुकेशन सिस्टम, लिख लो। इट इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म याद रखना, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, सागर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? हु इज कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कौन है? अब्दुल कलाम, एवरीवन नोस, हु इज नोन एज द मिसाइल वुमन। हाँ, वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। बस नो आंसर्स, थोड़ा सोचो, नाम सुना होगा शायद। The answer is Tessie Thomas, ठीक है? She is called as the missile woman of India, ठीक है? She was the project director for Agni 4, ठीक है? Tessie Thomas. हो गया, should I go ahead? Everybody. टेसी थॉमस में क्या नाम लिखूं? TSSY THOMAS, बात खत्म। चलो भी है, मैं अभी बाद में देखूंगा आराम से। चलो समझ लेते हैं। मैसिव वर्ल्ड वॉर टू बॉम्ब विच इज कॉल्ड टॉलबॉट वॉज डेटोनेटेड अंडर वॉटर इन पोलैंड, ठीक है। ये 5 टन का बॉम्ब है, ठीक है, 5 टन मतलब 5000 kg बॉम्ब, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक बॉम्ब। ये किसने ड्रॉप किया था? देन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने टू अटैक ऑन नाजी वॉरशिप इन 1945। कहाँ पे? इट इज नियर बाल्टिक सी। ये सबसे पहला, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट थिंग टू डिफ्यूज अ टॉल बॉय विच वॉज प्रिजर्व्ड इन वॉटर। ये बॉम्ब जब डाला था तब ये फटा नहीं था, सो इट वॉज अंडर वॉटर, ठीक है, ऑल दिस टाइम। सो रिसेंटली पोलैंड की नेवी ने इसको डिफ्यूज किया थोड़ा सा, एंड देन इट अल्टीमेटली ब्लास्टेड। वेयर इट इज लोकेटेड? बाल्टिक सी। एंड स्विंग जिस, एंड ये जो नीचे नाम लिखा है
दैट इज द पार्ट ऑफ द पोलैंड, ठीक है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, आप लोग लिख लो, ये वो जगह है इन द बाल्टिक सी वेयर दिस बॉम्ब वॉज पेयर, ठीक है, लिख लो. एटलांटिक सी नहीं है, बाल्टिक सी है, ठीक है. पोलैंड इज नॉट लोकेटेड इन एटलांटिक सी एज सच, ठीक है. इसका वीडियो है, यू गाइस कैन ऑल्सो हैव अ लुक, ठीक है. दो एटम बॉम्ब के नाम क्या थे? व्हाट इज द नेम ऑफ द टू एटम बॉम्ब्स? बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. किसी ने लिखा है लिटल बॉय फैट मैन, देन देयर इज फैट बॉय लिटल बॉय, देन स्मॉल बॉय फैट मैन. मुझे सही आंसर बताओ. नोट्स में मैंने आपको ये लिखवाया था ऑन 6th अगस्त एंड 9th अगस्त व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. बताओ आंसर क्या है. फैक्ट मैन है, देर इज नो फैक्ट बॉय, ठीक है. देर इज नो फैक्ट बॉय, देर इज लिटल बॉय एंड फैक्ट मैन, ठीक है. एक 6th को डाला था, एक 9th को डाला था. अगस्त के अगर आप अपने नोट्स लिखोगे, देखोगे जो मैंने आपको लिखवाए थे, तो उसमें ये क्वेश्चंस वैसे के वैसे होंगे, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहे हैं. मैं कह रहा हूं प्लीज रिवाइज करो, ठीक है, एंड टाइम पे आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा. चलो बांग्लादेश अप्रूव्स डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस, ठीक है, फॉलोइंग प्रोटेस्ट, ठीक है. बांग्लादेश में देयर वॉज अ रीसेंट स्पाइक इन रेप केसेस, ठीक है. सो देयर वेर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन. सो कंसिडरिंग दोज थिंग्स द गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अवॉर्ड डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस, ठीक है. ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर, ठीक है. बिकॉज अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था दैट विच कंट्री बैंड फ्लॉगिंग, ठीक है. मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट वी हैव टू रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज ऑल्सो, ठीक है. प्रसन्न ऐसी बातें नहीं करनी, लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है. आई अग्री, लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों को वो झूठ लगता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, डिनाइल कहते हैं उसको, ठीक है. ओके गाइस, हो गया, शुड आई गो अहेड? एवरीबडी एल्स, शुड आई गो अहेड? What is Gupta resolution? बिना पढ़े, बिना गूगल किए मुझे कोई इसका आंसर देना, that means that he is reading newspaper extremely good. अरे वेरी गुड, कहीं नहीं, एक्सिलेंट,
सिद्धार्थ वेरी गुड, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस, वेरी गुड वेरी गुड। एब्सोल्युटली राइट कहानी, वेरी गुड। ठीक है चलो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूं, यू जस्ट हैव टू राइट इन योर बुक्स ऑन योर ओन। गुप्ता रिजोल्यूशन was resolution is a resolution which is adopted by Jammu and Kashmir important political parties. Jammu and Kashmir ki jo kuch important badi political parties hai, unhone ye resolution adopt kiya hai demanding to restore the special status of Jammu and Kashmir. Theek hai, pata chal gaya. This resolution says that you have to restore article 370 and the previous provision of Jammu and Kashmir. ठीक है? So this is what Gupta resolution is about. लिख लो। गवर्नमेंट सोच रही होगी कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गलत, वापस डाल देते हैं उसको। पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इट इज द रिजोल्यूशन बाय कश्मीर्स पॉलिटिकल पार्टी to restore the special status of Jammu and Kashmir. ठीक है, guys, written. लिख लिया सबने? Okay. When was the Jammu and Kashmir was officially bifurcated? And two union territories were created. कौन सी डेट को? इसमें डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑफिशियली bifurcated? ठीक है, बताओ जरा ऑफिशियली कहा है मैं? एक होता है गवर्नमेंट का स्टंट जो 5th अगस्त को हुआ, लेकिन ऑफिशियली bifurcated करना अलग बात होता है। The answer is 31st October 2019. ये भी मैंने आपको बहुत बार कहा है, but still आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने आपको बताया था that 31st October is the happy birthday of सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? So on that particular day, Jammu and Kashmir was officially bifurcated and two union territories were created, ठीक है? चलो इंडिया एंड मालदीव्स साइंड अ लोन लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब पैसे देना, ऑफ 400 मिलियन फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 6.7 किलोमीटर ब्रिज प्रोजेक्ट कनेक्टिंग माले विद गुलफालू पोर्ट एंड थिलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है? एंड इट विल हेल्प ट्रांसफॉर्मिंग द मालदीवियन इकोनॉमी। लिख लो, इंडिया किसी भी देश के ऊपर दया दक्षिणा करता है तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हो गया,
लिख लिया सबने? इतना लिखने में कितनी देर लगेगी सबको? अच्छा नो नामरा, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज लाइक टू डेवलप गुड रिलेशंस विद एनी कंट्री. ठीक है. अच्छा मालदीव्स का कैपिटल क्या है? What is the capital of Maldives? Male. ठीक है. And Maldives का president कौन है अभी? Who is the president of Maldives? हम पढ़ चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है. Very good Siddhant, very good. The answer is Ibrahim Mohammed Soli. ठीक है. Ibrahim मोहम्मद सोली. ठीक है. चलो गोइंग अहेड. चलो आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट राज्यसभा. ठीक है. मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा राज्यसभा के बारे में, विच आर इंफॉर्मेशन बेस्ड, आपको आने चाहिए. ठीक है. वॉट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? टोटल पूछ रहा हूं, अभी कितने हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर मुझे सबको भर देना है तो मैक्सिमम कितनी है? 245 और 250 के बीच में कंपटीशन लगी है. सही आंसर कौन सा है? और आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं शॉक हूं, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं. द आंसर इज 250. दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. प्रेसिडेंट 12 नॉमिनेशन कहां पे करता है? राज्यसभा में करता है या लोकसभा में करता है? वेरी गुड. हमने जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ था राज्यसभा में, तब उसके बारे में बात की थी, दैट प्रेसिडेंट हैज पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा. ठीक है. 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, लेकिन बाकी के 12 वो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ठीक है. चलो वेरी गुड. राज्यसभा में हर एक मेंबर का टर्म कितने साल के लिए होता है? सपोज अगर मैं कल इलेक्ट होता हूं तो मैं कितने साल तक राज्यसभा का मेंबर होऊंगा? वेरी गुड, वेरी गुड. The answer is 6 years. लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 साल का अगर सरकार रही तो, लेकिन राज्यसभा में हर एक मेंबर का टर्म 6 साल तक रहता है. ठीक है. एंड एवरी 2 ईयर, हर एक 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स अपने आप रिटायर्ड हो जाते हैं. रिटायर्ड मतलब उनकी सीट वैकेंट हो जाती है. आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, लिख लो, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 members of the Rajya Sabha has to vacate their seat और उनकी सीट पे वापस इलेक्शन होते हैं. ठीक है. And every member serves in Rajya Sabha for 6 years. चलो ये हो गया. Very good. Who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President is the chairman of Rajya Sabha in the ex officio capacity. Ex officio capacity matlab, because he is the Vice President, he automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. That is what meant by ex officio. Okay. Is the Vice President, chairman of the Rajya Sabha, is the part of Parliament? क्या वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है? हाश, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. वेरी गुड. द आंसर इज नो. लेकिन प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का? यस. वेरी गुड. द आंसर इज यस. ठीक है. ओके गाइस, ओके गाइस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ठीक है.
चलो गोइंग अहेड नाउ. एडजर्नमेंट साइन डाइन का मतलब क्या होता है? एडजर्न साइन डाइन उसका मतलब क्या है आप लोग मुझे बताओ. मैं पढ़ा चुका हूं आपको. अगर स्पीकर डिक्लेयर करता है द हाउस इज एडजर्न साइन डाइन मतलब उसका मतलब क्या है? नहीं स्वयं ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट सेशन नहीं होगा. It simply means that the date and time of the next sitting has not been said by the chairman or speaker. Without any date or time को जब adjourn करते हैं तो उसको adjournment sign line कहा जाता है. ठीक है चलो very good. ये concepts clear लगना please. संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस कंप्लीट 5 लाख कंसल्टेशन एंड होस्टेड 216 ऑनलाइन ओपीडी. ओपीडी का मतलब होता है गाइस आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ठीक है. प्रेजेंटली 26 स्टेट्स हैव बीन यूजिंग द टू वेरिएंट्स ऑफ ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नेमली पेशेंट टू डॉक्टर दैट इज ई संजीवनी ओपीडी and doctor to doctor e-sanjeevani ayushman bharat health well clinic. theek hai likh lo. aapko pata hai e-sanjeevani kya karta hai? main padha chuka hu pehle. e-sanjeevani karta kya hai guys? yaad hai pehle hum pad chuke hain. it was started to provide गाइडेंस टू द पीपल इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक. ठीक है आप फोन से डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो. दिस पर्टिक्यूलर थिंग इज कॉल्ड टेली मेडिसिन. ठीक है टेली मीन्स टेलीफोनिक मेडिसिन. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आप देखो 5 लाख पीपल हैव कंसल्टेड. 5 लाख पीपल. आदित्य ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है. ये हो गया. शुड आई गो अहेड? USA had called for the expansion of corn. ठीक है, saying that group is not intended to be exclusive. अभी तक हम corn पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था? Corn means 4 countries. ठीक है, लेकिन recently जो meeting हुई थी foreign ministers की in Japan, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे US ने ऐसा कहा है that all other countries are welcome in the corn group. The country who wish that free and open Indo-Pacific should be there. ठीक है, मतलब जो भी country Pacific and Indian Ocean को free रखना चाहती है, secure रखना चाहती है, to tackle the Chinese aggression in this region, they are welcome to join Quad Group. ठीक है, ये बहुत बड़ी development है, because before that only 4 countries were thought मेंबर ऑफ कॉर. ठीक है, अभी देखते हैं आगे जाके कौन सी कंट्री इस ग्रुप का ऑफिशियली मेंबर बनेगी. ठीक है देख लो. गया
Everybody else, should I go ahead? Factual news है, निहाल सरीन फ्रॉम इंडिया विंस जूनियर स्पीड चेस चैंपियन. ठीक है, ही इज द यंगेस्ट पर्सन, सिर्फ 16 साल का है टू डू दिस. ठीक है, ही 16 इयर्स ओल्ड, इज द यंगेस्ट पर्सन टू विन द जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप. ठीक है, किसको हराया भाई ने, रशिया के वर्ल्ड जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सरना को. ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो देन यू गाइस शुड सी सम चेस टूर्नामेंट्स, एस्पेशली व्हेन सम गुड प्लेयर्स आर प्लेइंग, बहुत मजा आती है. ठीक है, मजा आती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हो गया, तीन लाइन लिखनी है. हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए. ठीक है, ही इज द यंगेस्ट वन टू. ठीक है, ये यंगेस्ट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो फ्रेंच ओपन के बारे में है. नडाल बीट्स नोवाक जोकोविच टू विन हिज 13th फ्रेंच ओपन. ठीक है, एंड नाउ ही हैज इक्वल्ड इन टाइज विद फेडरर एट 20 ग्रैंड स्लैम्स. ठीक है, लिख लो. ये दोनों ने 20 साल से मतलब जमा के रखा है टेनिस को, ये और पिछले 10 साल में जोकोविच. टेनिस सिर्फ ये तीन ही खेलते हुए को ऐसा लगता है, बाकी प्लेयर्स आर नॉट अलाउड. हाँ, वुमन्स में सरीना. और फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी, मतलब गोल मारना हो गया. हाँ, अब तो ना, हाँ अब तो फुटबॉल में देर आर वेरी गुड प्लेयर्स. हाँ, अब बहुत अच्छे. एक्चुअली दिस पीपल हैव बिकम लाइक दे आर लाइक वे टू मच सीनियर नाउ, सो दैट इज द रीजन. ठीक है, यंग में आई लाइक किलियन एम्बापे, इज अ वेरी गुड प्लेयर, पीएसजी. ओके गाइस, हो गया. हाँ नम्र, एकदम सही बात की आपने, आई टोटली एग्री. ठीक है, चलो देखो, ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया, ये बहुत बड़े प्राउड की बात है. एक्चुअली ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ब्लू फ्लैग मतलब जो भी बीच होते हैं वो बहुत अच्छे हो, क्लीन हो, सेफ हो, सस्टेनेबल हो एंड एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसे बीच को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टिफिकेट देती है ऑफ ब्लू फ्लैग. दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड. रिसेंटली इंडिया के टोटल 8 बीच को ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट मिला है. कौन से है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टिज के हमको इतना सारा अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है. उसमें से दो तो इंडिया में ही है, एक घोघला बीच, दो गुजरात में है, एक घोघला इन दीव, एक शिवराजपुर द्वारका, देन कसोरकोड इन कर्नाटका,
Padipidri in Karnataka, Kapad in Kerala, Rushikonda in Andhra Pradesh, Puri Beach in Odisha, and Radhanagar in Andaman and Nicobar Island. ठीक है, लिख लो. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअली में बहुत बड़ी बात होती है गाइस. ये मतलब बहुत अच्छे बीच हो तभी मिलता है, प्रेस्टीज की बात है. ठीक है, ये पॉसिबल. Everyone, written. फर्स्ट सेकंड जैसा कुछ नहीं है आदित्य, सबको मिला. ठीक है, हाँ मतलब ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है दैट विद इन अ स्ट्रेट गो टोटल 8 बीचेस हैव बीन गिवन अ सर्टिफिकेट. ठीक है, एक साथ 8 बीच को रिकॉग्निशन मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है. ठीक है, लिख लिया. इसमें मैंने आगे कुछ इंफॉर्मेशन डाली है. हाँ देखो, जो मैंने हाईलाइट किया है वो ही लिखना है. ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू हैव बीन अवार्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर ऑल द 8 रेकमेंडेड बीच इन अ सिंगल अटेम्प्ट. आदित्य, जो आपने पूछा ना उसका आंसर यहाँ पे है, मैंने जैसा बताया. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो फर्स्ट नेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन that has achieved this feat in just about 2 years. ठीक है, लिख लो. And just read this all, the whole paragraph once. ठीक है, हो गया, लिख लिया और पढ़ लिया. Everybody, सबका हो गया. Okay, I'm going ahead. Dying Arctic. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था एंड इट वॉज द बिगेस्ट मिशन टू आर्कटिक. आर्कटिक ठीक है, नॉर्थ पोल. द पोलार स्टर्नशिप ऑफ द जर्मन अल्फ्रेड बिगनर इंस्टीट्यूट हैड रिटर्न्ड टू द पॉट
heaven after spending 389 days in the Arctic Ocean. This particular ship went to Arctic Ocean near the North Pole to study the effect of global warming and climate change in the Arctic region. What they have found out is that the ocean, that the Arctic ice is melting at a very fast rate. जो जगह पे hard ice होने चाहिए थे, वो पिघल के अब एकदम soft हो गए हैं. And more places are opening in the frozen area. ठीक है? मतलब जो एरिया बहुत फ्रोजन रहते थे वो भी अब ओपन होने लगे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. इट वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, लिख लो, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन था टू द आर्कटिक. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. और देखो कितना बुरा हाल है. ठीक है, अगर सारा ओशन मेल्ट होता है आर्कटिक और एंटार्कटिका में, देन इमेजिन द राइज इन द सी लेवल. और सोच लो कितने सारे सिटीज विच आर लोकेटेड नियर ओशंस और सी, दे विल बी सबमर्ज. ठीक है, लगता मजाक है लेकिन ये बहुत सीरियस इश्यू है सबके लिए सिवाय ट्रंप को छोड़ के. ठीक है, ट्रंप थिंक्स दैट दिस इज मस्ती, ऐसा कुछ नहीं. यस गुरमीत, एब्सोल्युटली राइट. ओके गाइस, लिख लिया. स्वयं मतलब मैं क्यों सपोर्ट करूं किसी को. ठीक है, मतलब दे आर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, इंडिया में अपने को क्या है. ठीक है, चलो हो गया. चलो, नोबेल प्राइज 2020 इन इकोनॉमिक्स वेंट टू पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन. क्यों दिया गया उनको अवार्ड? बिकॉज दे हैव इंप्रूव्ड द ऑक्शन थियरी. जो हम ऑक्शन करते हैं नीलामी, तो उसकी थियरी में इंप्रूवमेंट करने के लिए दे हैव बीन गिवन इकोनॉमिक प्राइस. ठीक है, नोबेल, लिख लो. एंड इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था विच टॉक्ड अबाउट द ऑक्शन and which talked about what they have discovered. And here, the article is written in a very simple language. अगर आपका इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना, बहुत मजा आएगी. ठीक है, लिख लिया सबने. शुड आई गो अहेड? एवरीबॉडी, ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है. प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च 100 रुपी कॉइन टू कॉमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विजय राजे सिंधिया. वो राजमाता थी ग्वालियर की. ठीक है, जो सिंधिया फैमिली है दे आर फ्रॉम ग्वालियर. ठीक है, एंड शी वॉज द राजमाता.
जो अभी है ये भाई साहब है ना अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेपी। एंड वसुंधरा राजे जो आप देख रहे हो राजस्थान में एक्स सी एम, वो उनकी डॉटर है, ठीक है, वसुंधरा राजे द चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ये उनकी मदर है, एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये ग्रैंड मदर थी, ठीक है, शी इज द फाउंडर ऑफ बीजेपी, लिख लो। हो गया, लिख लिया सबने, जन आंदोलन कैंपेन वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दिस आंदोलन इज रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड 19, ठीक है, एंड दिस वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, लिख लो। जन आंदोलन, आंदोलन में नवरात्रि का स्वाहा हो गया। कौन नवरात्रि में जा रहा है कहीं पे? मैं भी नहीं जा रहा, सिर्फ दो दिन जाऊंगा। हो गया गाइस, चलो everybody return, should I go ahead? इसमें सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है, which organization is responsible for imposing bans or lifting the bans? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना है, दैट इज द मेन न्यूज इन दिस। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग बैंस और लिफ्टिंग अप द बैंस? सिद्धांत वेरी गुड एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस, एकदम सही आंसर दिया है। और जिनको नहीं पता है लिख लो, द आंसर इज DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये मैं पहले नहीं तो नहीं चार पांच बार करवा चुका हूं। नहीं, एक्सपोर्ट बैन नहीं किया है, सिर्फ इंपोर्ट बैन किया है, ठीक है, द आंसर इज DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, सिर्फ एक जन को आंसर आया है, बाकी किसी को भी नहीं आया है, ठीक है, चलो गोइंग अहेड। वर्ल्ड फूड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16th October, दिस डे वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 एज अ डे फॉर एक्शन अगेंस्ट हंगर, एंड दिस इज ऑल्सो द डे ऑन विच FAO, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है,
was founded in 1945. ठीक है, लिख लो. ट्राई टू फाउंड, लेकिन मुझे थीम कहीं दिखी नहीं. आई विल मेक श्योर कि मैं कोई एक दो आर्टिकल और पढूं, देन नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर विद यू. हो गया? Has appointed one judge committee to monitor the stubble burning case. आप सबको पता होगा that अभी खरीफ सीजन जो है it is over, और अब क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा. फिर हार्वेस्टिंग में जो बच जाता है लेफ्ट ओवर, that is being burned by the states of हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान. उसके कारण there is the problem of pollution in Delhi. ठीक है, so उस चीज को रोकने के लिए and उसको monitor करने के लिए Supreme Court of India has appointed Justice Madan B. Lokur. He was the judge in the Supreme Court. ठीक है, as a one man committee to monitor the situation in Haryana, Punjab and UP. ठीक है, लिख लो. Yeah, guys, should I go ahead? Chalo. Banu Bhatia had won the first Indian, won India's first Oscar in costume design for her work in which classic film? The answer is Gandhi Movie. ठीक है? यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन काम की है. सबसे पहला ऑस्कर इंडियन, एनी इंडियन टू वॉन द फर्स्ट ऑस्कर फॉर एनी कैटेगरी वॉज बानू आथिया. ठीक है, शी वॉन इट फॉर डिजाइनिंग द कॉस्ट्यूम्स. लेकिन कौन से मूवी के कॉस्ट्यूम? द आंसर इज गांधी. ठीक है, एंड गांधी इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन. ठीक है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए. Then she has also designed Lagan. ठीक है, लिख लो. लगान मूवी जो है उसमें भी
हो गया गाइस। Should I go ahead? Sure. These are three different news, short news है, आपको पता होना चाहिए। एक हिमायत सागर लेक, ऐसे कोई लेक है या तो फिर कोई टाइप का नेशनल पार्क है जो न्यूज में आया है तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? लाइक पर्टिकुलर नेशनल पार्क और पर्टिकुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और सिटी, ठीक है? हैदराबाद में देयर इज फ्लड सिचुएशन, वो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? सो इट इज लोकेटेड इन हिमायत सागर, सॉरी बट सो द हिमायत सागर लेक इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है? वो लिख लो। देन रिनाउंड कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू पास्ड अवे एट 64, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है? एंड जर्मनी स्लैम्स टर्की फॉर टेकिंग यूनिलैटरल स्टेप्स इन ईस्ट मेडिटेरियन। वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टर्की इज एक्सप्लोरिंग ऑयल इन द मेडिटेरियन सी, ठीक है? सो वहां पे देयर इज अ इश्यू विथ ग्रीस एंड साइप्रस, तो उसको लेके जर्मनी हैज क्रिटिसाइज टर्की, ठीक है? लिख लो। ओके गाइस, हो गया। हो गया। देन थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। We are done for the day.